प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाई झंडी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी ये एक्सप्रेस। सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर सभी दिन मिलेगी सेवा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, विकास कार्यों में तेजी लाने सहित नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F12 नेविगेशन उपग्रह का किया सफल प्रक्षेपण। निगरानी और नौवहन प्रदान करना नेविगेशन उपग्रह का उद्देश्य। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किया स्वागत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बैठकें। केंद्र सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्रियों ने देश भर में की पत्रकार वार्ता। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया केंद्र सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी नीतियों का ब्यौरा। कल से शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की 75वीं वर्षगांठ पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर किया माल्यार्पण। मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान किया तेज। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना शुरू करने की दी अनुमति। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में परियोजना विकास समझौते को दी गई मंजूरी। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा खिताबी मुकाबला। पिछले कल लगातार बारिश के कारण नहीं हो पाया था मैच।